गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं स्ट्रिप लाइट की कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम गाड़ी में फिटिंग करेंगे, जो कि अपनी छोटे की गाड़ी है। तो भाई ने लाई थी ये, तो उस देखेंगे हम अब कहाँ कहाँ लगाएंगे। अभी इसका कोई नॉलेज नहीं है, अभी देखते देखते लगेगा पता कि कहाँ कहाँ लगेगी। तो फिलहाल तो हम इसको चेक करेंगे कि ये ठीक भी आई हुई है ऑनलाइन कि ख़राब है। तो फिलहाल हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं अभी। जैसे कि हमने स्टीरियो का हमने खोल दिया, पैसा फ्रेंड्स पहन ले तो स्टीरियो तो सब खोल देते, आजकल तो चोर भी खोल देते। तो यहाँ पर फिलहाल हम लेंगे इसको। एक तो आपको पता ही होगा रेड वायर प्लस है, ग्राउंड ब्लैक वायर ग्राउंड होती है जो नेगेटिव होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव से हमारी गाड़ी में सारा करंट नेगेटिव पॉजिटिव हो चला होता है, जो कि डीसी 12 वोल्ट ही होती है फ्रेंड्स। और हम पहले प्लस में डालेंगे और फिर हम इसमें माइनस में डालेंगे। फिलहाल ये चेकिंग के लिए फ्रेंड्स, कोई ये ऐसा नहीं कि इसे हम इसको कनेक्शन देंगे, फिर बाद में हम इसके कनेक्शन देखते हैं किस तरह से देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ हमारी लाइट जल पड़ी है मगर ऐसा लग नहीं रहा फ्रेंड्स की जली है। ओ फ्रेंड्स ब्लू जली है। आपको थोड़ा अंधेरे में बताएंगे फ्रेंड्स, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ रोल करके। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप कि ये थोड़ी जैसे ब्लू हल्की जली हुई है, क्योंकि ये फ्रेंड्स बिल्कुल हल्की लाइट चलती है इसमें। तो मतलब हल्की जैसी फिटिंग होगी इसकी, लगभग से हम इसमें जिस जहाँ जहाँ फिटिंग करेंगे किस हिसाब से करेंगे अभी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि बंदे अपने हिसाब से कस्टमर करते हैं। जैसे कि कस्टमर जिस हिसाब से बताएगा हम उस हिसाब से इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिलहाल हम इसको फिटिंग करते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस फिलहाल हमने यहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट की, जैसे कि मीटर की बॉर्डरिंग में हमने यहाँ पर पूरे एडजस्ट किया, और वायर हमने यहाँ से अंदर को लिए लाइट, तो कुछ इधर से भी लगाएंगे। फिलहाल तो हमने इतना अगर कुछ कर चुके हैं, आगे का हम यहाँ से आगे की फिटिंग इसके बाद करेंगे। तो अभी यहाँ से हमने कुछ इस तरह से ली है, ये देख रहे होंगे आप, ये हमने इसके कॉर्नर में बिठा दी, बिल्कुल एक कंसोल बिल्कुल खुल जाता है, तो इस तरह से हमने की है। फिर हम इधर भी इसकी रीड में डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक साइड होता है पतला होता है जो कि सो फ्रेंड्स सारे कुछ हमने क्लोज मतलब फिटिंग कर चुके हैं। कनेक्शन हमने आपको बताए थे, जैसे कनेक्टर मैंने नेगेटिव पॉजिटिव भी हुई, वायर हमने पीछे छील के हमने उसी के साथ स्टीरियो के साथ ही इसके कनेक्शन कर दिए। और फिलहाल तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ से घुमा के, यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से घुमा घुमा के घुमा दिए। तो इसमें थोड़ी जैसे हेल्प हमारे को लेनी पड़ी इस चीज़ की भी, आप देखते होंगे बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत ही काम आ रहा है आजकल, एड्स भी 5 रुपये में। तो फ्रेंड्स इसे लगाएं, और हमने कुछ खोला था फ्रेंड्स और बड़े से भी इसका टाना माना आप देख रहे होंगे, जैसे वीडियो में हमने इसका खोला था कुछ ये था, बस टाइम बहुत लग गया फ्रेंड्स इसमें, घंटा लग गया। तो कुछ आगे अब इसको फिट करके मैं पूरा बताता हूँ आपको, कंप्लीट सेटअप इसका ऑन ऑन करके, तो बने रहे वीडियो में। फाइनली फ्रेंड्स टोटल हमारी फिटिंग हो चुकी है, बिल्कुल हमने कंप्लीट लगा दी, कोई यहाँ से कोई यहाँ से यहाँ से यहाँ से करते करते हमने टोटल यहाँ से फिटिंग की है, देख रहे हैं बिल्कुल हमने यहाँ यहाँ से सारे लगा दिए। मगर ये दिन में दिखती नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा नीचे वाली लाइट जब ऑन होगी यहाँ से बताता हूँ आपको, फिर बाद में इसका हम छोटे से शॉर्ट भी, जो रात को जब अंधेरा होगा तो हम इसकी शॉर्ट वीडियो डालेंगे कि गाड़ी अंदर से कैसे दिखेगी रात में, क्योंकि अभी हम फ्रेंड्स बाहर से रात कैसे लाएंगे। इसलिए यहाँ देखिए आपको दिख रही होगी कुछ ऐसी आ रही है, ये देखिए। और धूप में तो फ्रेंड्स आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो दिखेगी नहीं कि जली भी है, यहाँ से दिखेगी। जैसे जैसे आप डाउन जाएंगे तो ब्लू लाइटिंग दिखेगी आपको बिल्कुल प्रॉपरली, नीचे से देखिए। इसके अंदर साइड भी हमने फिटिंग की थी फ्रेंड्स, ये देखिए आपको दिख रही होगी कुछ ऐसी शेड आएगी फ्रेंड्स, जैसे वायरिंग अंदर से की है, अंदर वाला सिस्टम है कि जो हमने वायरिंग इसकी पूरी लबेड़ दी थी अंदर से, तो इस तरह से ही जलेगी फ्रेंड्स। ये देखिए ब्लू ब्लूइश लाइट, रात को बहुत ही अच्छी सेक्सी लाइट दिखती है। तो आपको इसकी, तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स जाते जाते घंटा भी दबा देना यार।